मणिपुर में भड़की हिंसा ने विकराल रूप लिया। लोगों के घर जलाए गए, बच्चे, औरतें, जवान सब इसकी चपेट में आए। आलम ये आ पहुंचा कि लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हिंसा की आग की वजह मणिपुर में मेताई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाली गई एक रैली। उसके बाद हिंसा इतनी भड़की कि सरकार ने हिंसा फैलाने वालों को तुरंत गोली मारने का आदेश दिया। हालात को काबू में लाने के लिए जवानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। मणिपुर में हिंसात्मक घटनाओं के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और जरूरी सामानों की दुकानें भी बस थोड़े समय के लिए खुल रही हैं। फायरिंग और आगजनी की घटनाओं को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं और घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इसी बीच मणिपुर में 2,250 लोगों ने बीते 3 दिनों में असम में शरण ली है। अधिकारियों के मुताबिक 300 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मिजोरम में शरण ली है। असम के काछार जिले में 8 शेल्टर कैंप बनाए गए हैं। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि मणिपुर के लोगों ने असम की तरफ आना शुरू कर दिया था। रविवार शाम तक कुल 2,252 लोग आ गए थे। इसमें ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। बड़े पैमाने पर पीड़ितों के घर जला दिए गए हैं और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा 300 लोगों ने मिजोरम में शरण ली है क्योंकि वहां उनके रिश्तेदार थे। इसके सीमावर्ती कस्बे मोहरे में रहने वाले मेताई समुदाय के 300 लोग म्यांमार की सीमा में चले गए और वहां शरण मांगी है। शरणार्थियों को पर्याप्त राशन और खाना दिया जा रहा है। पुलिस लगातार कैंपों का दौरा कर रही है। वहीं मणिपुर के लागौम इलाके में कुछ ऐसा देखने को मिला कि लोगों ने अपने घरों के बाहर अपनी जातियों के नाम लिखकर दरवाजों पर चिपका दिए हैं। इसके पीछे की वजह वहां के रहने वाले लोग बताते हैं कि अगर आगे दोबारा से हिंसा भड़की तो शायद हिंसा करने वाले लोग जाति का नाम पढ़कर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। उन लोगों के घरों में या तो आगजनी हुई या फिर उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। आखिर कैसे शुरू हुई हिंसा? 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने मार्च का ऐलान किया था। ये मार्च मेताई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने के विरोध में था। मेताई लंबे समय से एसटी श्रेणी में शामिल होना चाहता है। 2012 से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क ये है कि 1949 में भारत संघ के साथ मणिपुर की रियासत में विलय से पहले मेताई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और विलय के बाद एक जनजाति के तौर पर इसकी पहचान खो गई है। अगर वह श्रेणी में शामिल हो जाएगी तो उसे अपनी पहचान बचाए रखने में आसानी होगी। जनजाति समूह मेताई को ये दर्जा देने के खिलाफ आखिर क्यों है? मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का कहना है कि मेताई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मेताई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।